मॉर्निंग स्ट्रैंड, सो कंटिन्यू करेंगे अभी ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में अभी जस्ट एक लेक्चर मैंने कंप्लीट किया है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन एंड अल्काइन. सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन एंड अल्काइन 11th क्लास 12th क्लास का भी है, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस. लेक्चर वन जस्ट मैंने फाइनल किया. लेक्चर वन में 1 to 13 पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट 13 के आगे लेक्चर टू में कंटिन्यू करेंगे. प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, और पजल, पजल टाइप का है आपका, जिसमें आपको खूब सोचना है. स्टार्ट करिए, मिटाता हूँ मैं इसको. एक कंपाउंड दिया हुआ था, एक कंपाउंड ए है, कुछ हिंट है, एब्जॉर्ब, वनली, वन मोल हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये एक हिंट है. अल्कलाइन KNO4 ऑक्सीडेशन, अनदर कंपाउंड O2 बी, ये कंपाउंड बी है. इसके बारे में एक हिंट लिखा हुआ है, बी इज सिमेट्रिकल डाइकेटोन. बी के बारे में हिंट लिखा हुआ कि ये एक सिमेट्रिकल डाइकेटोन, सिमेट्रिकल डाइकेटोन. अब आपको आइडेंटिफाई करना है ए भी और बी भी, कोई फिगर नहीं है, ए का फिगर आपको बनाना है, बी का फिगर बनाना है. एक हिंट यहाँ है, एब्जॉर्ब ओनली वन मोल ऑफ हाइड्रोजन निकल, वो है सिमेट्रिकल डाइकेटोन. अब आपको सॉल्व करना है. ये इसका हिंट से समझ में आ रहा है, हम लोग ये जानते हैं कि डबल बॉन्ड रहता है, सो ये हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन और निकल, क्योंकि हाइड्रोजन ये लोग एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके कुछ ऐसा बना देगा. और एक डबल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा, तो ये समझ में आ रहा है कि एब्जॉर्ब ओनली वन हाइड्रोजन निकल, सो इससे हिंट मिला कंटेन वन डबल बॉन्ड, सिर्फ एक डबल बॉन्ड इसमें है, ये एक हिंट हुआ. ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो C10H16O2 बनेगा. उसको आइडेंटिफाई करना है, एक आइडेंटिफाई करना है, वहां हिंट है सिमेट्रिकल डाइकेटोन, सिमेट्रिकल और डाइकेटोन, पजल है, पूरा पजल है. देखिए समझिए, डाई कीटोन, दो कीटोन है और सिमेट्रिकल है, मतलब एकदम बराबर सिमेट्रिसिटी होना चाहिए. तो मैं सोच रहा हूँ कि C10 है और बराबर करना है, तो ऐसे सोचा जाए डाई कीटोन ऐसे एकदम सिमेट्रिकल, ऐसे सोचना, दो दो कीटोन है कंपाउंड के अंदर, दो कीटोन है और सिमेट्रिकल, मतलब जितना ऊपर उतना नीचे, टोटल कार्बन 10 है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो हो गया, बच गया 8 कार्बन. कैसे अरेंज करें 8 कार्बन, ऐसे CH2 ऐसे सोचना है आपको, इस तरह सोचना है, सिमेट्रिकल मतलब डाई कीटोन, एक कीटोन दूसरा कीटोन एकदम बराबर एक जैसा. फिर से सोचना है CH2 ऐसे सोचा जाता है. देखिए 10 कार्बन हो गया,
सेमेट्रिकल होना चाहिए, एकदम सेमेट्रिकल, बराबर डाइकेटोन। और क्यों ना मैं, अगर आप CH2 CH2 है तो यहाँ एक लाइन दे दूँ मैं और यहाँ एक लाइन दे दूँ। ये खुद क्रिएट करना है, खुद सोचना है। बहुत जब पढ़ते हैं आप, अपने आप आपका ब्रेन चलने लगेगा, अपने आप आपका ब्रेन रीड करने लगेगा कि क्या चांसेस है। चेक कर लीजिए, एकदम सिमेट्रिकल है। कहीं से चेक करेंगे, यहाँ से कट करना हो, यहाँ से कट करना हो, कट करके देख लीजिए। देखिए एकदम सिमेट्रिकल है, ऊपर और नीचे बराबर है। यहाँ से कट करना हो, कट करके देख लीजिए। यहाँ से देख लीजिए, लेफ्ट राइट बराबर है, कंप्लीट सिमेट्रिसिटी है और डाइकेटोन है। ये चीजें आप जब पढ़ेंगे सॉरी लिखेंगे, सोचेंगे कि सिमेट्रिकल और डाइकेटोन, अपने आप बनते जाएगा। आप पेन लिखते रहेंगे, पेन से बनाते जाएंगे, अपने आप बनते जाएगा। इसको बेस्ट फॉर्म में जो लिख सकते हैं, इसका जो बेस्ट आंसर हो सकता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है ना। खूब अच्छा लुक, खूब अच्छा होना चाहिए। तो देखिए ये डाइकेटोन, ये है सिमेट्रिकल डाइकेटोन। और जैसे ही वो फिगर आया, मैं तुरंत समझ गया, ओह श्योर, ये तो श्योर ऐसा होगा। मैच कर लीजिए, ओनली वन डबल बॉन्ड मैच करना हो, मैच कर लीजिए। C10 आपको इस तरह बना के दिखा दूं, देखिए मैच कर लीजिए। C10 H16 ओनली वन डबल बॉन्ड, जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऐसे क्रैक हो जाएगा। ये चीजें ओजोनलिसिस में भी कर सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन ओजोनलिसिस में भी आता है। और अगर आप चेक कर लीजिए, अगर आप इसका ओजोनलिसिस कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह आपको ड्राइंग करना था, ए का बी का, और प्रैक्टिस करिए। फिर से वही ले लीजिए, C10 H16 ले रहा हूँ और इधर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, और मैं बताऊंगा आपको, एक बार मैच कर लेने दीजिए, ठीक है। बोथ BNC आर सिमेट्रिकल डाइक्यूट। सिमेट्रिकल डाइक्यूट आप ड्राइंग करेंगे, ए का बी का और सी का बनेंगे। यहां से मत सोचिएगा, ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग से नहीं, वो एंड से। सबसे पहले बी बनेगा आपसे, फिर बन जाएगा सी, बी सी सबसे जल्दी बनेगा, और बी और सी के हेल्प से आप ए बना लेंगे। ट्राई करेंगे, सबसे पहले बी बनाइए, लास्ट से हमेशा बनाया जाता। तो बी बनाइए, फिर सी बनाइए,
ये बनाएंगे। करिए कंटिन्यू करिए। इसमें कोई हिंट नहीं है। हाँ, कोई हिंट नहीं है, वहां पे हिंट है, मिनिमम हिंट रहता है ना, जहां से क्वेश्चन बन जाए उतना हिंट वहां पे लास्ट में लिखा हुआ हो जाएगा उससे। इसके भी दो आंसर होता है, ये भी क्लास में बहुत सारे लोग बना लेते हैं, देखते हैं क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बना देते हैं, देखिए बट दो तरीके से बनाते हैं, देखिए तो दो आंसर कैसे। हाँ, बी बनाना आसान है, सबसे पहले बी C4H6O2 और लिखा हुआ है सिमेट्रिकल डाइकेटोन, तो बी तो कंफर्म है, बी तो श्योर यही है, बी तो एकदम श्योर है, बी तो यही है, चेक कर लीजिए, बी तो यही है। C4H6O2 कंफर्म है, बी सिमेट्रिकल है, कट करके देख लीजिए, डाई कीटोन सी, ऐसे ही लोग सी बनाते हैं, बोलते हैं सी सी ऐसे ले लीजिए, सिमेट्रिकल डाई कीटोन चेक करेंगे, ये है सी, चेक कर लीजिए, बी और सी, बी है और सी है, ये भी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल तो है, यहाँ पे कट करिए और डाइकीटोन है, लिनियर है। आप दोनों के हेल्प से इसको डिजाइन करना है, इधर फिगर डिजाइन करना है, तो सिर्फ उन दोनों का जो देख करके फिगर, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एकदम यही होगा, कंफर्म है, जो डिजाइन करेंगे तो ये फिगर आएगा, लीटिए कैसे चेक कर लेंगे, देखिए आप CH3 सी CH2 फिर सी, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड सी CH3 सी CH3 ऐसे इस तरह से, और जब आप क्रैक करेंगे इसको, तो क्रैक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कीटोन बनेगा, यहाँ पे ये भी कीटोन बनेगा, ये क्रैक करेंगे यहाँ भी कीटोन बनेगा, यहाँ भी कीटोन, देखिए दोनों साइड कीटोन, ये फिगर ये था, तो ये था ए, इसका दूसरा आंसर भी आता है, क्योंकि क्लास में जब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो मैं देखता हूँ कि कई स्टूडेंट दूसरा आंसर भी बनाते हैं, वो भी सही है, ऑर्गेनिक है, ये पजल है, एक क्वेश्चन के दोनों आंसर होते ही हैं, देखिए दूसरा आंसर मैं ऊपर बनाता हूँ, थोड़ा लाइट ऑफ करता हूँ, दूसरा आंसर देखिए, ये बी तो चेंज नहीं कर सकते, बी तो वही रहेगा, बी तो सेम रहेगा, सी में लोग बोल देंगे, सी को ऐसे चेंज कर देते हैं, बोल देंगे सी में ऐसा भी तो कर सकते हैं, सी में लोग यहीं पे चेंज करते हैं, कई स्टूडेंट मैं देखता हूं कि ऐसे बनाते हैं, बोलते हैं सर ये भी तो है सिमेट्रिकल डाइकीटोन, तो मैं बोलता हूं हाँ एकदम करेक्ट है आपका, ये भी तो सिमेट्रिकल डाइकीटोन हो सकता है, बीच से कट करेंगे तो एकदम बराबर कट करेगा, सिमेट्रिकल है, लेफ्ट साइड राइट साइड और डाइकीटोन है, एकदम करेक्ट हो सकता है, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में जब ए बनाएंगे तो ए ऐसा बनेगा, वेट करिए और ऐसा, ताकि ये क्रैक करेगा, यहाँ क्रैक करेगा तो ये कीटोन बनेगा, ये कीटोन और यहाँ क्रैक करेगा तो ये कीटोन, तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो ए ऐसा आएगा, तो ये था ऐसा, तो इसमें दोनों चांस है, आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, तो ये पजल है, आपको सोचना है कि कैसे हमें डिजाइन करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सब क्वेश्चन जब आप बनाएंगे और आप सॉल्व करेंगे अपने से ना, खूब आपका खूब फास्ट हो जाएगा, खूब सोचना कैसे ऑर्गेनिक में सोचा जाता है, जस्ट लाइक ओजोनोलिसिस, ये सारे क्वेश्चन ओजोनोलिसिस में भी जाएंगे, तो ओजोनोलिसिस भी कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन उसमें भी बना सकते हैं आप। अब नहीं सोचिए तो ये क्या फिगर होगा जिसको आप ऑक्सीडेशन करने पे ये बन जाए। ओजोनोलिसिस भी कर सकते हैं ऑक्सीडेशन, या आप ओजोनोलिसिस भी कर सकते हैं। बने सोचिए ये क्या फिगर होगा। इसमें भी स्टूडेंट दो दो आंसर बना देते हैं। इधर से मत सोचेगा, इधर से नहीं बनेगा, जो भी बनेगा उसी साइड से बनेगा। आप सबसे पहले तो क्लास में मैं देखता हूं तो स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं, इस तरह से कई स्टूडेंट देखते हैं कि अपना जल्दी जल्दी फिंगर्स जस्ट स्टार्ट करते हैं और वर्क करते हैं, तो ऐसे सोचते हैं। मैं देखता हूँ क्लास में कई लोगों घूमते रहता हूँ, मेरे एक क्वेश्चन दे दिया, मूव करते रहूँगा क्लास में, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो फास्ट हैं वो लोग तुरंत ऐसे सोचते हैं कि अच्छा अच्छा CH2, फिर सोचते हैं CH2, फिर सोचते हैं कि अच्छा ये एसिड है, 1 2 3 4 5, फिर ऐसे सोचते हैं अच्छा CH2 है, फिर CH2 है, और फिर सोचते हैं कि अच्छा एसिड है यहाँ पे और ये ऑक्सीडेशन है, तो इसको मिलाते हुए कई स्टूडेंट देखते हैं क्लास में ऐसे कर देते हैं, बोलते हैं कि सर ये होगा ऐसे CH2 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 CH, ये ऐसे मैच करना है थोड़ा सा, देखते हैं C10H14, 5 5 10 2 4 6 7 7, नीचे 14, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। आप जब ब्रेक करेंगे इसको तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये इसके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के चलते ये बनेगा एसिड, एसिड देखिए एसिड बन भी रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो जब नहीं है तो इसके चलते यहाँ बनेगा कीटोन, सेम चीज यहाँ भी है। और इसको प्रेजेंट करते हैं लोग तो बेस्ट फॉर्म है, जो प्रेजेंटेशन लोग क्लास में देते हैं तो बोलते हैं सर ये देखिए ये सबसे अच्छा फिगर हो गया, ऐसे बोलते हैं कि सर ये देखिए ये सबसे अच्छा फिगर, ऐसे ऐसे लिख लेंगे, चाहे डबल बॉन्ड के नीचे भी कर सकते हैं। ओके एक आंसर और है इसका, एक और आंसर देखिए, दूसरा आंसर देखिए, मैं ऊपर कर देता हूं। सो एक आंसर ये है ए, ये तो सही है, एकदम करेक्ट है। मेजर स्टूडेंट देखते हैं ऐसे ही बनाते हैं, उसको प्रोडक्ट को सोच सोच कर बना लेते हैं, और एक आंसर ये भी लिख सकते हैं आप ऐसे करते हुए, तो इस तरह करके आप चेक कर लीजिए, चेक करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मैच करना हो मैच कर लीजिए।
ऐसा मैच करिएगा, तो देखिए आप मैच कर लेंगे C10H14 2 4 6 7 7 14 एकदम करेक्ट है। और जब आप क्रैक करेंगे, यहाँ से क्रैक करेंगे, यहाँ से भी क्रैक करेंगे, तो ये कीटोन होगा, ये एसेट, ये भी कीटोन होगा, एसेट मिलेगा वही, चेक कर लीजिए। जब आप इसको एकदम फैलाएंगे, पूरा बड़ा सा ऐसे फैला देंगे, फैलाएंगे तो देखिए यहाँ पे कीटोन आएगा, यहाँ कीटोन आएगा और इसमें एसिड आएगा, इसमें एसिड। मैं ब्रेक करके दिखाऊँ आपको, है दोनों फिगर करेक्ट है। जब आप ब्रेक करेंगे इसको तो कार्बन कार्बन, देखिए यहाँ जब ब्रेक करेंगे तो ये कीटोन हो गया और ऐसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये एसिड हो जाएगा, 1 2 3 चौथे पे एसिड, 1 2 3 चौथे पे एसिड है। वैसे यहाँ देखेंगे ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे ब्रेक करेंगे 1 2 3 चौथे पे एसिड, वो वही है, वही चीज़ है, चेक करिए वही चीज़ है, सेम फिगर ये दोनों चांस है। एक ये भी लिखते हैं स्टूडेंट, ये भी करेक्ट, वो भी करेक्ट। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन 1,2-डायोन बनी तो इसको बनी, ये रिएक्टेंट वही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बनाया, ये तो आसान है, ये क्वेश्चन मैंने इजी आपको दिया था। जैसे सक्सिनिक एसिड लिखा हुआ, यहाँ से सक्सिनिक एसिड आप पढ़ चुके हैं, ये हो गया और वो आयोपिक नेम है, साइक्लो रिंग है, हेक्स, साइक्लो हेक्स एन, साइक्लो हेक्सेन और 1,2-डायोन, 1,2-डायोन, 1 पे 2 पे डाइकीटोन, ये ऑर्गेनिक के नेम हो गए। अब उन दोनों को आप अगर रिलेट करेंगे तो उनके रिलेशन से श्योर एकदम पता चल रहा है हम लोगों को कि ऐसा कंपाउंड हो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर लूँ CH, रुकिए क्योंकि हमें इसको मैच कराना है, तो उन दोनों से श्योर मुझे ऐसा जो लग रहा है CH2 और ये है CH2, ये है CH2 और CH2, यहाँ हुआ CH, वेट करेंगे, ये डबल बॉन्ड कर देता हूँ मैं, यहाँ डबल बॉन्ड और CH, फिर CH2 और ये है CH, देखिए ये, क्योंकि यहाँ से जब ब्रेक करेंगे ना तो ये ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कीटोन और ये एसिड, फिर ब्रेक करेंगे यहाँ कीटोन और एसिड, ये सक्सिनिक एसिड 1 2 3 4 कार्बन एसिड और यहाँ कीटोन कीटोन मिल जाएगा। मैच करेंगे C10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H14 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, यस करेक्ट। सो आप प्रेजेंटेशन आपको करना होगा, तो प्रेजेंटेशन आप काफ़ी अच्छा से लिखेंगे और इस तरह से बोलेंगे कि मेरा आंसर ये है। हो गया, नेक्स्ट C10H14 यही रहने दीजिए।
ए। ये ए है, इसको बी कर लेंगे हम लोग और हिटिंग करेंगे तो कुछ हमें ऐसा मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मिल रहा है। तो मुझे चाहिए, ए चाहिए और बी चाहिए। बताइए, इधर से नहीं बनेगा, हमेशा हम बोलते हैं ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से, जो लास्ट में लिखा हो ना उससे स्टार्ट, वहां से सोचिए। रुकिए, उसको देखने दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गए, ठीक है, 8 कार्बन है और इधर है 10 कार्बन, 2 कार्बन मिसिंग है, वो जो मिसिंग कार्बन है सिर्फ सीओ टू में गया है। तो सबसे पहले लास्ट को मुझे देखने दीजिए, लास्ट जो देख रहा हूँ 8 कार्बन, तो उसका मीनिंग समझिए, CH2 CH2, सी डबल बॉन्ड ओ और CH3, और फिर यहाँ पे CH2 CH2, सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 लास्ट में, तो ये दिख रहा है। और 2 कार्बन जो मिसिंग है कंफर्म है, यहाँ से CO2 मिस हो रहा है, यहाँ से CO2 मिसिंग, ठीक। ये इसका मतलब यहाँ जो हीट किया गया है वो, उसका मतलब बी श्योर बीटा क्यूटोएसिड है, वो हिंट हिंट जो है ना, हीटिंग जो दिया हुआ है उससे आपको समझ जाना है। मैंने आपको समझाया था क्लास में, वो आईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास ऐसा हो कि ये एसिड हो और हीट करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अल्फा और बीटा, अगर बीटा कीटो एसिड हो, बीटा कीटो और एसिड हो अगर हीट करते हैं, तो यहाँ से CO2 बहुत फास्ट CO2 रिलीज करता है और ये बन जाता है CH3 और साथ में यहाँ से CO2। तो ये हीट जो लिखा हुआ है ना, वहाँ से बैक से सोचते जाएंगे सब बनते जाएगा, बी जो चाहिए था सर बी ऐसा है। कंपाउंड बी जो है वो ऐसा, कंपाउंड बी ही है जिसको आप कह सकते हैं कि ये यहां से देखेंगे अल्फा और बीटा, यहां भी अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड, ये। और अगर आपका बी मिल चुका है, बी यही है सर, कंफर्म है बी यही, तो इसके रिस्पेक्ट में जब ए बनाएंगे, ए तो पता चल रहा है इसका मतलब, यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा, ताकि ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ कीटोन कीटोन बन जाए और यहाँ एसिड एसिड मिल जाए। देखिए कितना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है, सोचना होता है कि आपको लास्ट से सोचना है, ये चांसेस है, ये देखते ही सोचना है, ओ ये है, और इसका जो प्रेजेंटेशन होगा बेस्ट प्रेजेंटेशन वो ऐसा। ये है इसका बेस्ट प्रेजेंटेशन, ए। ये था। तो ये पूरा ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस पजल है जिसमें आप खूब प्रैक्टिस करेंगे और खूब सीखने को खूब मिलता है, ये सब एग्जांपल 12 में भी यूज होगा। और करिए
6, 7, 8, 4. काफी बड़ा कंपाउंड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सोचने के लिए खूब अच्छा है। एक लाइन और है, आप नोट करेंगे, एक लाइन और। ये मैं मीनिंग समझा दूंगा, मैं मीनिंग समझा दूंगा, आप नोट कर लेंगे। C16H16, 16 कार्बन 16 हाइड्रोजन है, और वहाँ पे प्रोडक्ट जो मिल रहा है आपका 2 मोल्स ऑफ C6H4 और सी डबल बॉन्ड ओ एच ट्वाइस, कंपाउंड बी है। कंपाउंड बी गिव ओनली वन प्रोडक्ट विथ ब्रोमीन एंड आयरन, वो मैं समझा दूंगा, नोट करिए, मैं बताता हूँ। बी पता चल रहा है, बी तो हिंट है, काफी अच्छा हिंट है, बी पता चल रहा है। तो देखिए बी 2 मोल्स बन रहा है यहां पे, और C6H4COH, इसका मतलब बी तो कंफर्म है, बी ऐसा कुछ कंपाउंड है, इस तरह से बी पूछा जा रहा है। C6H4 और COH, COH का मतलब हो सकता है ये दो COH ऐसा हो, या रुके, हो सकता है दो COH ऐसा हो, वेट करेंगे, ये बस प्रोबेबिलिटी मैं देख रहा हूं, या हो सकता है दो COH ऐसा हो। बी के बारे में ये तीन चांस मैं सोच रहा हूं कि है तो ये यही, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो लिखा हुआ C6H4 और दो एसिड ग्रुप है, मतलब बेंजीन है, C6H6 हो गया, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन का रोल प्ले करेगा, तो बेंजीन है और उस पर दो है एसिड ग्रुप, तो दो एसिड में हो सकता है ऑर्थो हो सकता है मेटा हो सकता है पारा हो, बट इन तीनों में से एक बढ़िया हिंट लिखा हुआ, कंपाउंड बी गिव ओनली वन प्रोडक्ट विथ ब्रोमीन आयरन, ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट का मतलब कन्फर्म है बी तो ये है, बी कन्फर्म है, ये बी है, बी सॉरी, इसको बोलते हैं टेरेथैलिक एसिड, कॉमन नेम पढ़े हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे आपने पहचान लिया कि सिर्फ यही है बी, चांसेस तो ऑर्थो मेटा पारा, तो यहां जो हिंट है कि बी गिव ओनली वन प्रोडक्ट, तो अगर आप इस पे, जैसे आप बी पे, मैं इधर आपको समझा रहा हूं, बी पे अगर आप यहां लिखते हैं, आप कहेंगे कि मुझे ब्रोमीन यहां ऐड करना हो, आप बोलेंगे कि मुझे ब्रोमीन यहां ऐड करना हो, ठीक, फिर कोई बोला कि नहीं नहीं मुझे ब्रोमीन यहां ऐड करना हो, कोई बोल रहा है कि ब्रोमीन मुझे यहां ऐड करना हो, ऐसे ऐड करना हो, या कोई बोल रहा है कि नहीं ब्रोमीन मुझे यहां ऐड करना हो, कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं ब्रोमीन मुझे यहां ऐड करना हो, बट आप चारों जगह ऐड करके देख लीजिएगा, सब तो एक ही चीज है, आप बताइए क्या ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड, ये कंपाउंड डिफरेंट है कि सेम है, सेम है भाई, सेम है, आप ऊपर से काउंट करेंगे तो दूसरे नंबर पर ब्रोमीन है, नीचे से काउंट करेंगे तो दूसरे नंबर पर ब्रोमीन है, एक ही चीज है, चारों पोजिशन, ये पोजिशन,
चाहिए पोजीशन सब क्या है सेम है, आप यहाँ ऐड कर लीजिए चाहे या फिर यहाँ ऐड कर लेंगे, चाहे आप यहाँ ऐड कर लीजिए चाहे यहाँ ऐड कर लीजिए, कहीं भी ब्रोमीन ऐड करेंगे आंसर तो एक ही बनेगा ना। तो ये जो हिंट लिखा हुआ कंपाउंड बी गिव ओनली वन प्रोडक्ट विथ ब्रोमीन आयरन, तो ये है सेम सेम प्रोडक्ट होने के चलते श्योर बी वही है। आप ऊपर नीचे या आपको आपको मन कर रहा है कि नहीं मुझे ऐसे ऐड करना चाहिए कर लीजिए ना, आप आपको मन कर रहा है कि मुझे लेफ्ट साइड ऐड करना है राइट साइड ऐड करना है कहीं भी ऐड करना हो सब एक ही चीज़ है, यहाँ ऐड कर लीजिए चाहे नीचे ऐड कर लीजिए सब जगह तो क्या है सेम है, या नीचे ऐड कर लीजिए सब सेम है, तो ओनली वन टाइप प्रोडक्ट उसके चलते श्योर बी बी तो कन्फर्म। आप नाम लिख दीजिएगा TERE थैली, अब इसके रिस्पेक्ट में इसको डिजाइन करिए तो बनाइए बनाइए उसको बनिए तो कई लोग ऐसे क्लास में बोलते हैं कि सर बस अब तो बन गया है और वो भी 2 मोल्स है, तो लोग ऐसे बनाते हैं बोलते हैं कि सर ऐसे कर लीजिए, कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसे कर लीजिए 1 से 2 मिल जाएगा, बट गलत हैं आप। जब आप इसको मैच करेंगे C8 1 2 3 4 5 6 H12 आ रहा है, मेरा क्या है C16 सॉरी मेरा कंपाउंड ये है ये निकालना ये गलत है। अब आप सोचिए इसके बारे में सोचिए कि ये कैसे बनेगा, ये तो गलत सोच रहे थे, अगर आपने ये सोचा है गलत है, क्योंकि 2 मोल्स है 2 मोल बनाना है बट ये गलत स्टेप था, सोचिए इसके बारे में। इसी के हेल्प से सोचे ना, इसी में अभी 4 हाइड्रोजन और बढ़ाना है, 4 हाइड्रोजन और बढ़ाना है, इसे 4 हाइड्रोजन और बढ़ाना, वैसे सोचे ये तो गलत है ये तो गलत है, बट रेफरेंस तो ले सकते हैं ना, तो मैं 4 हाइड्रोजन और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सोच रहा था मैं ऐसा कर दूँ तो ये सब सही है, और मैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 2 इसको दे दूँ 2 इसको दे दूँ, तो क्यों ना मैं ऐसा सोच रहा था CH3 और CH3 कर दूँ तो ये मेरा मैच कर जाएगा, बट कई लोग बोलते हैं फिर ऑक्सीडेशन कैसे होगा, होगा
देखिए, आपके क्लास में पढ़ा हुआ है, अल्केन टॉपिक में पढ़े हुए हैं, फेमस रिएक्शन। अगर आप टॉलविन लेंगे यहाँ पे, टॉलविन सॉरी टॉलविन पे अगर आप अल्कलाइन के मनोफोक कर देंगे यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 19 में वीडियो थोड़ा कट गया था, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में एरर आ गया था। तो कई बार होता है कि हम वीडियो एक एक घंटे का शूट कर रहे हैं, पर ऐसा लगे 10 मिनट रिकॉर्ड हुआ, 50 मिनट ख़त्म हो गया। तो अभी जस्ट हुआ था प्रॉब्लम, मैं चेक किया था। तो ये मैं डिस्कस कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 19 का एक पार्ट था जो पूरा मैंने कर दिया था क्वेश्चन, एक पार्ट यहाँ पे मैं देख रहा था कि कट गया था। मैंने आपको बोला था टॉलविन, ये जो टॉलविन है, पढ़े हुए हैं हम लोग अल्केन में, कि टॉलविन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन करेंगे K1O4, तो ऑक्सीडेशन करने पे ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है, जो कि कन्वर्जन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम टॉलविन, ये पढ़ चुके हैं हम लोग रिएक्शन। तो K1O4 जो है वो कंपाउंड को, जैसे आपका 19 में क्या आंसर था, 19 में ये आंसर आपने बनाया था CH3 और ऐसा था। तो K1O4 जो है वो दोनों जगह ऑक्सीडाइज कर देगा, एक टॉलविन को भी ऑक्सीडाइज कर लेगा और ये डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, टॉलविन को बेंजोइक एसिड में ला देगा और ये डबल बॉन्ड को भी यहाँ पे क्रैक करके ये भी एसिड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो उतना छोटा सा पॉइंट छूट गया था। सो 20 नंबर, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैंने चेंज कर दिया है C16 और H12, और यहाँ पे लिखा हुआ सेम क्वेश्चन है, वो एक प्रोडक्ट बी है, बट यहाँ मैंने चेंज किया है कि कंपाउंड बी गिव ओनली टू प्रोडक्ट, वन नहीं टू प्रोडक्ट बना रहे विथ ब्रोमीन और आयरन, यहाँ टू प्रोडक्ट लिखा हुआ। तो टू प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ से आपको सोचना है कि वो जो कंपाउंड है सो थैलिक एसिड, जो बी है वो थैलिक एसिड है। कैसे थैलिक एसिड, और वो जो टू प्रोडक्ट लिखा हुआ उससे सोचा जाता है, ये है बी, इसलिए कि यहाँ पे टू लोकेशन है, टू डिफरेंट पोजीशन है। जैसे पोजीशन नंबर वन ये है और ये कह सकते हैं पोजीशन नंबर टू, बट आप जब नीचे आएंगे तो ये भी पोजीशन नंबर वन कहलाएगा और ये भी पोजीशन नंबर टू कहलाएगा, ये और ये एकदम बराबर और ये एकदम बराबर है। तो इसमें सिर्फ टू चांसेस है, एक बार ब्रोमीन यहाँ आ सकता है या एक बार ब्रोमीन यहाँ, ओनली टू प्रोडक्ट का चांसेस है। तो इसका नाम जो हो गया वो थैलिक एसिड, और अगर बी आपने खोज लिया है तो ये तो काफ़ी आसान है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे 12 है ना, C16H12 है, तो 12 होने पे ऐसा आप कर लेंगे। देखिए मैच कर लीजिएगा, ये एसिड हो गया, एसिड एसिड और एसिड। नेक्स्ट सो नेक्स्ट पजल, ए को आइडेंटिफाई करना। ऐसे क्वेश्चन पैकेज में खूब है, आपके पास अल्कीन अल्काइन का पैकेज होगा तो उसमें अब बना सकते हैं, अब पूरा अल्कीन पूरा अल्काइन आप कंप्लीट कर सकते हैं, नियरली आपका कंप्लीट हो चुका है, जो जो छोटे छोटे पार्ट बचा हुआ, मेजर पार्ट सारा कंप्लीट, छोटे छोटे पार्ट अभी बहुत हैं, बट पैकेज सारा बनेगा अब आपको। ऐसे क्वेश्चन चाहे इससे पहले जितने पजल वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, खूब सारा है ऑर्गेनिक के पैकेज में, अल्कीन और अल्काइन में, वो आप बनाइएगा। अब आप बताएंगे यहाँ पे एक कंपाउंड ए है जिसमें टू हाइड्रोजन ऐड करना है निकिल के प्रेजेंस में, तो वैसा प्रोडक्ट बन रहा है, और अगर आप वही ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट इस टाइप का बन रहा है। सोचिए कौन सा प्रोडक्ट, ये ए को डिजाइन करना, फिर मतलब ए इसी जैसा है, इस जैसा है, बट उसमें दो डबल बॉन्ड है,
मैं इस जंक्शन को प्लानिंग कर रहा हूँ, इस जंक्शन से प्लांट कर रहा हूँ मैं, जो जंक्शन है ना उसके हिसाब से मैं प्लांट कर रहा हूँ। तो देखिए आपको कीटोन, ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन को मैं ऐसे डॉट बना रहा हूँ, और वो जिगजैग फिगर है, वो आपको रीअरेंज आपको करना होता है। तो मैं इधर से देख रहा हूँ तो 1 2 3, सो 3 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मुझे उसी टाइप का लाना है, उस टाइप से सोचना है आपको। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 3 कार्बन, सो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, CO2 ऐसे मैं कर रहा हूँ। अब इसको देख करके मतलब इसको रीअरेंज करना होता है, इसको सोचते हुए, ऐसा सोचते हुए रीअरेंज करना है। मैं काफ़ी क्लोज आ चुका हूँ, अब मुझे पता चल रहा है कि फिगर श्योर जो मेरा फिगर होगा वो यही था, ये यहाँ पे रहेगा और श्योर यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ, ये ताकि जब कटेगा, जब फिगर कटेगा कटेगा तो देखिए, अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड उसी टाइप का लगेगा, और जब कट करेंगे तो यहाँ से कट करेंगे तो 1 कार्बन फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज करके CO2 में चला जाएगा, और यहाँ से कट करेंगे तो ये कीटोन और ये एसिड, तो एक कीटोन हुआ, ये एसिड हो गया। तो पजल है आपको एक खोजना था, ए यही था, ए चाहिए था, ये है ए कंपाउंड ए, ये था ए। सो हिंट मिलेगा, एक हिंट यहाँ पे काफी अच्छा हिंट है, दूसरा हिंट नीचे है, एक डॉट आप बनाएंगे उससे आप इसको मिलाते हुए इसी तरह से ड्राइंग करेंगे, सब जगजग रहता है। तो ये जो लाइन है, मैं ग्रीन कलर वाला लाइन, ऐसे मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ, तो उसको मैं ऐसे सोचा कि ये ग्रीन कलर से ऐसे सोचू, और ये वाला ब्लू वाला को ऐसे रीअरेंज करना है आपको, उसको ब्रेन में रखते हुए। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई, ए बनाना है, बी बनाना है, सी बनाना है, और डी और ई, और रिएक्टेंट है यहाँ से, लास्ट प्रोडक्ट वहाँ तक जाना है। आप कंप्लीट करिए, आपने बनाया ए बी सी डी ई, काफ़ी आसान है, कई स्टेप हैं, आप हर रोज स्टूडेंट अपने अपने तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप समझिए, जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बन यहाँ पे है 6 5 + 1 6, लास्ट में कार्बन 5 है, तो जब आप इसमें डिसोसिएट करेंगे, सबसे पहले ए, ए है ओजोनलेसिस, आप बहुत सारे रिएक्शन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ओजोनलेसिस कर सकते हैं, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर, जब आप ओजोनलेसिस करेंगे तो ये ऐसे क्रैक हो जाएगा। अब नाउ देखिए यहाँ पे क्या बना, सो ये हुआ आपका, ये हो गया। नेक्स्ट देखना है आपको रिडक्शन, एनी रिडक्शन, कोई भी रिडक्शन, कोई जो आपकी मर्जी है, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग ऑप्शन लिखते हैं, आप हाइड्रोजन भी भर सकते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे
थोड़ा हाइड्रोजन इसमें भर जाएगा और हाइड्रोजन भरने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, OH हो जाएगा। और OH है, अब इससे ये बनाना तो एकदम एक लाइन का है। आप तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना, एक नहीं 50 रिएक्शन पड़े हुए, 50 से भी ज़्यादा 70 रिएक्शन पड़े हुए। आप H2SO4 डाल देंगे यहाँ पे, H2SO4 आप जानते हैं H2SO4 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और वो H2SO4 वाटर एब्जॉर्ब करेगा। आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो इस जगह पे OH है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन ऐसे खींच लेगा, ऐसे जैसे ही खींचेगा वाटर हो गया, देखिए प्रोडक्ट बन गया। तो आपका ए ए हो गया, बी हो गया, आपको जो जो चाहिए था सारा मिलेगा। और भी अलग अलग मेथड है, यहाँ K1O4 भी यूज कर सकते हैं, K1O4 से भी वही बन जाएगा, CO2 निकल जाएगा और यहाँ पे आपको बन जाएगा आपको कीटोन। फिर यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये है आपका ए, ये बी हो गया, ये है सी, ये बन गया डी और ये चाहिए था ई और फाइनल प्रोडक्ट बन गया। देखिए ऐसा, तो कार्बन कम करना था, इधर कार्बन 6 है, 6 to 5 करना था। सो ऑक्सीडेशन कंप्लीट ही है, कुछ रिएक्शन 2-3 रिएक्शन और मैं कर दे रहा हूँ। सो एम्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास और एम्स में लिखा हुआ 1-ब्यूटाइन, हाँ यस 1-ब्यूटाइन ऑन ऑक्सीडेशन विथ हॉट अल्कलाइन K1O4, 1-ब्यूटाइन। सो 1-ब्यूटाइन सो लिखा हुआ हॉट एंड अल्कलाइन K1O4 और इसके थ्रू ऑक्सीडेशन करना है। हो गया, प्रोडक्ट आप बना लेंगे, ऑप्शन में लिखा हुआ बट एकदम आसान है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से ब्रेक कर लीजिए, यह है 3-कार्बन एसिड, यहां 1 कार्बन तो CO2 में चला जाएगा एंड वाटर में, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है। थ्री कार्बन एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर, क्वेश्चन एकदम आसान है, जो भी मेडिकल क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बेस्ट क्वेश्चन मैंने सब कंप्लीट कर दिया। सो ऑक्सीडेशन विथ K1O4 गिव ओनली एसिटिक एसिड, K1O4 ऑक्सीडेशन ओनली एसिटिक एसिड, सिर्फ एसिटिक एसिड मिल रहा है, यहाँ चाहिए था, यहाँ रिएक्ट चाहिए। ऑप्शन ABCD लिखा हुआ मेडिकल का, बट वो ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा ऑप्शन देना चाहिए आपको, तब इजी है। तो ऑप्शन मैं मान लीजिए अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो यहाँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ऑप्शन ये लिखा हुआ, ऑप्शन बी हुआ, ऑप्शन सी ऑप्शन डी ये काफ़ी आसान सा। वन सेकेंड मेडिकल स्टूडेंट के लिए
एकदम आसान, वनली एसिटिक एसिड भी हो गया, ये क्रैक करेंगे, यहाँ भी एसिटिक एसिड, वहाँ भी एसिटिक एसिड, अल्किन एक्स ऑक्सीडेशन गिव्स अ डाइकीटोन, डाइकीटोन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन ई एक्स गिव डाइकीटोन, यहां बन रहा है डाइकीटोन। सो पूछा जा रहा है कि डाइकीटोन, दो कीटोन बन रहा है तो क्या हो सकता है, ऑप्शन ए बी सी डी कर दे रहा हूं मैं। ऐसे ही इसी टाइप का ऑप्शन रहेगा। डाइकीटोन, डाइकीटोन का मतलब दो कीटोन, वाली टू कीटोन, तो बेस्ट आंसर कौन सा आ रहा है, ए, यही तो चांस है, और कोई तो चांस दिख नहीं रहा है। आप यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन करेंगे, देखें फिगर आप, सो यही तो कंपाउंड है जिसको ब्रेक करेंगे तो इधर भी कीटोन, इधर भी कीटोन, और तो नहीं, यहाँ पे कीटोन है, इधर एसिटिक एसिड, यहाँ भी एसिटिक एसिड, एसिड और एसिड, ये भी एसिड एसिड। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बाकी सब हो गया है, एक आख बस यही लास्ट क्वेश्चन समझिए। सो टू ब्यूटीन ऑन रिएक्शन विद अल्कलाइन केमनोफो एलिवेटेड टेम्परेचर, यहाँ पे कितना आसान लिखा हो, टू ब्यूटीन, सो अल्कलाइन केमनोफो ऑक्सीडेशन एलिवेटेड टेम्परेचर, थोड़ा सा गर्म भी करना है, तो टू ब्यूटीन कितना आसान है, देखिए टू ब्यूटीन, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये तो फंडामेंटल क्वेश्चन में, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, टू मोल्स एसिटिक एसिड हो गया। सो ऑक्सीडेशन तो फाइनल, ऑक्सीडेशन एंड ओजोनोलिसिस कंप्लीट। अभी ऑक्सीडेशन में KNO4 में एक पढ़ना और है, कोल्ड एंड डायलूट है, एनसीडी में दो रिएक्शन है, हम लोग बैठे उसमें 20 रिएक्शन पढ़ेंगे, सो कोल्ड एंड डायलूट KNO4, सो नेक्स्ट क्लास। तो आज का ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड या अल्कलाइन KNO4 ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका।